एक्चुअली मेरा कैमरा के प्रॉब्लम की वजह से मैं रुका था। मैं जो है हाफिज साहब से जुड़ा हूँ। हाफिज साहब, इस बार चुनाव की जो रणनीति है वो किस आधार पर? भाई पहले एक साथी कह रहा था कि कांग्रेस ने हमारा विकास किया है। सभी साथी को इसको पता है किशन के बारे में कि कितना विकास हुआ है। आज अगर विकास होता तो हमारे यहाँ के बच्चे बाहर काम करने के लिए नहीं जाते। कितना फैक्ट्रियाँ हैं, मैं उसी चीज़ को कहूँगा कि कितने फैक्ट्रियाँ हैं बाहर, हम लोग काम करने के लिए जाते हैं। हो सकता है किसी का ज़्यादा काम है तो वो ऐसे आ सकता है, उसका माँ बाप का अगर तबीयत खराब हो जाए तो। अगर जिसके पास काम काज कम है वो बच्चा वही बिलक बिलक करके रोता है कि काश मैं अपने माँ बाप का एक बार शक्ल देख लेता। यही फैक्ट्री अगर हमारे यहाँ होता, जो साइकिल विदेश वहाँ पे बन रहा, हरियाणा में बन रहा, वो साइकिल की फैक्ट्री अगर हमारे यहाँ लग जाए और बहुत सारी चीज़ों की जो फैक्ट्रियाँ है हमारे यहाँ ये चीज़ लग जाए तो इंशाल्लाह हमारे बच्चे वहाँ नहीं जाएंगे। आज विकास के नाम पर जो कांग्रेस सीना पटक रहे हैं, सर पटक रहे हैं कि हमने बहुत विकास किया है। आज नदियाँ जा कर के देखिए, रोड जा कर के देखिए क्या हालात बनी हुई है। तो इंशाल्लाह तन मन धन से हम अख्तरुल ईमान के साथ लगे हुए हैं और यहाँ से नहीं आवाज उठाते उठाते भरोसा है उन पर, कितना भरोसा है? 101% है भाई जी, इंशाल्लाह अजीज। खुदा से मैं यही दुआ करता हूँ कि इतना वोट मिले कि दिल्ली हिल जाए। ये नहीं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ दिल्ली के, इंशाल्लाह आने वाले टाइम बेओखला से हमारी सीट आएगी दिल्ली से, इंशाल्लाह एमएलए की सीट हमारी आएगी। ये बात मैं लिख के दे रहा हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद हारून है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और दिल्ली की परवरिश है और मैं रहने वाला इसी मोदे के, हाँ मोदे के रहने वाला हूँ मैं। दिल्ली में आपको कितना दिन है? 18 साल हो गया मुझे। 18 साल वहाँ की राजनीति को आपने दिखाया? जी, केजरीवाल को देखिए, अभी सारे जितने भी इमाम लोग हैं, मौजिन हैं, उनके लिए 18,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं और ऐलान भी किया है कि मैं तनख्वाह बढ़ा सकता हूँ। इस वक्त वहाँ के जो है बीजेपी को आने के बाद जो है हालात थोड़ा सा खराब है, उनके काम होने नहीं दे रहा है। आप हॉस्पिटल में जा कर के देखिए, इतना बेहतरीन जो है नज़्म निज़ाम है वहाँ का, इंशाअल्लाह आप जाने से पहले एकदम वहाँ पर हर चीज़ जो है वेलकम है। जी हज़रत, नाम बता। जी, मेरा नाम मोहम्मद हारून। शुक्रिया हारून साहब से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हज़रत। चलिए मैं और भी मार्केट का रुख लेता हूँ, लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। पब्लिक का काफ़ी जाम हो चुका है, मैं और भी लोगों से जैसे कि ये आलू प्याज की दुकान है, मैं आलू प्याज वालों से बात करता हूँ। क्या इस बार जो आलू वगैरह और प्याज बेचते हैं मार्केट दर से इस बार ज़्यादा है क्या? इस सरकार से खुश हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देंगे इस बार? बिल में किसका है फिर भी दूर होगा वो बोलना गलत है। चलिए साहब कह रहे हैं कि बोलना गलत है, चलिए मैं और भी लोगों से। सब्जी में बैगन भी लड़का है, समय आएगा तब बताइए। पहले कोई बात नहीं, और लोग भी हैं इधर, इधर भी हैं आलू प्याज बेचने वाले, चलिए इनसे भी काम कर लेते हैं। आप स्कूल नहीं जाते हैं क्या? फिर क्यों आलू का दुकान में बैठे हैं आप? क्या पापा के साथ आते हैं लोग हैं? गवर्नमेंट मोदी थी, मोदी सरकार से खुश है आप लोग? किस इस बार जब किस पार्टी को चुनाव वोट देंगे आप? राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को देंगे? क्यों नहीं? क्यों कांग्रेस को? कोई तो वजह होगा देने का, वजह है जो अख्तर साहब से नहीं है क्या? चलिए कोई एक समर्थन मिला, पूरे मार्केट में एक ही समर्थन मिला कांग्रेस। चलिए मैं अभी और भी किस पार्टी को वोट देंगे आप? आलू प्याज बचेंगे क्या? हम को ही वोट देंगे हम? क्यों पसंद को क्यों दीजिएगा? बस हमारा अपना चॉइस है। चलिए बहुत सारे वर्कर्स मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक का जो है किशनगंज में ड्रामा सामी मची हुई है। बने रही है MS TV न्यूज पर, कैमरा पर्सन हसन लाल के साथ मैं मीना साहब।